स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर को लेकर आज संभागीय का आयुक्त कार्यालय में श्री प्रवीण गर्ग की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। इसमें सहोदय की ओर से सहोदय के सचिव श्री फादर फ्रांसिस मारिया, जो कि सेंट जेवियर स्कूल के प्राचार्य हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया। फादर, बताएं कि मीटिंग में क्या रहा, आप दैनिक भास्कर .com को बताएं। जी, आज का मीटिंग हमें JD ऑफिस द्वारा बुलाया गया था, जहाँ पर हम लोग कमिश्नर ऑफिस में 1 बजे मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सबसे पहले मुद्दा था कि स्पीड गवर्नर को लेके, क्योंकि बस के जो प्रबंधक चालक हैं उनसे आयोग उनको पहले 1 महीने का समय दिया गया है, और समय सीमा पार होने के बाद आज उसका उन्होंने कम्प्लीट डिटेल लेना चाह रहे थे। इस डिटेल में उन्होंने अपने अपने बात रखी। कुछ बसों में ऑलरेडी स्पीड गवर्नर रखा गया है और कुछ बसों में और करना है, क्योंकि क्वालिटी कंपनी अभी तक उन लोगों को नहीं मिलने के कारण उन लोग अभी एक इंडोर से एक विशेष कंपनी जो मिको कंपनी है, उस क्वालिफाइड वाला कंपनी जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट को उन लोग सप्लाई करते हैं, उनके द्वारा अभी स्पीड गवर्नर रख के आने वाले 15-20 दिन में जितने भी बसेस हैं वो सबका स्पीड गवर्नर रख के सर्टिफिकेट करा के कॉपी RTO ऑफिस में जमा कर देंगे, ये जो प्राइवेट बसेस ओनर्स उनकी तरफ से। और हम सर्वोदय ग्रुप से जितने भी CBC स्कूल अपने स्कूल की तरफ से प्राइवेट बस चलाते हैं स्कूल के नाम से ओनरशिप से, वो सब में ऑलरेडी स्पीड गवर्नर रखा गया है, उसका RTO से भी उसको हमने सर्टिफिकेट किया है। और जिन स्कूल में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है उसको हमारा 9 तारीख को सर्वोदय मीटिंग होगा, उस मीटिंग में हम आगे तक सोचेंगे और जल्दी जल्दी ये कार्रवाई करके हम सभी बसों को स्पीड गवर्नर करवा के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो जो 11 मुद्दे हैं उस मुद्दे के आसपास सब बच्चों की सुविधा के हेतु पब्लिक सुविधा हेतु ठीक ठाक। धन्यवाद फादर।